ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी को आने वाले मुहर्रम 2024 जो 8 जुलाई से मुहर्रम की पहली तारीख हुआ है, मुहर्रम शुरू हो रहा है, उस सिलसिले में एक पत्र लिखा है, एक ख़त लिखा है। और ख़त लिख के ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड ने यह मांग की है कि मुहर्रम जो शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सही होना चाहिए हैं। शियों को और शियों के साथ साथ तकरीबन हिंदुस्तान में 8 करोड़ शिया मुसलमान बसते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम 8 करोड़ हैं। इसके अलावा हमारे अहले सुन्नत भाई जो ताजियेदार हैं ताजिया उठाते हैं, और हमारे हिंदू भाई जो ताजियेदार हैं ताजिया उठाते हैं। उनको मुहर्रम के मौके के ऊपर कोई दिक्कत कोई परेशानी ना दे पाए। इसके अलावा तेज़ गर्मी की वजह से हमने मांग की है कि जिन जिन रोड्स के ऊपर से मोमिनीन या ताजियेदार गुजरते हैं तो वहाँ के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाए, पानी के टैंकर्स का इंतज़ाम किया जाए। इसके अलावा जो ताजिये उठते हैं वहाँ के ऊपर बिजली के तारों से टकरा के हादसा हो जाते हैं, तो वहाँ के ऊपर तार को या तो काटा जाए या तारों को ऊँचा किया जाए। इसके अलावा जो अहम मांग हमने की है वो हमारे अंजुमनाए मातमी है। अंजुमनाए मातमी दिन भर अपना काम करते हैं, रात को जाग के अदादारी करते हैं। पूरी रात को अंजुमने शहरों शहरों गांव गांव महल्ले महल्ले अंजुमने जाके मुख्तलिफ़ अदाखानों में इमामबाड़ों में नवाखानी और जीनाजनी करती हैं। लिहाजा उनको रात को पुलिस के द्वारा बहुत सताया जाता है, और पुलिस उन बच्चों को बहुत सताती है जो रात को नवाखानी और शब्बेदारी के वास्ते निकलते हैं। लिहाजा हमने ये मांग की है जो उन बच्चों को और अंजुमन के नौजवानों को कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आने पाए। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से ये अपील करूँगा कि आने वाले मुहर्रम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखें। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप वहाँ के ज़िला प्रशासन को सूचना दें, फौरन ज़िला प्रशासन से बताएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बताएं, या ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड को, या मैं मौलाना यासूब अब्बास आपका खादिम हर वक्त आपकी खिदमत के वास्ते तैयार हूँ। हम लोगों को आगाह करें। बहुत बहुत शुक्रिया।